आपके सामने आपका डिस्प्ले पर आपको दिखाई दे रहा होगा, कह रहा वायु प्रदूषण के निम्नलिखित में से कौन सा कारक है। तो आज का जो टॉपिक है वो वायु है। जी हाँ, जब हम बात करेंगे सर कि वायु भी है, जी हाँ, तो ये वायु है आज का चैप्टर जो है वायु। वायु की हम लोग पढ़ रहे हैं NCERT, माने वायु जो है ये NCERT की साइंस है। और NCERT की साइंस कितना महत्वपूर्ण है आप भी जानते हैं और सभी साथी जानते हैं कि जितने लोग सिलेक्शन के लिए पढ़ रहे हैं। तो वायु में प्रदूषण के निम्नलिखित में से कौन से कारक हैं, सभी साथ इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे। कार्बन मोनोऑक्साइड, तो सबसे पहले आप ये जानिएगा ये सही है और आपको भी पता होना चाहिए कार्बन मोनोऑक्साइड को CO कहते हैं। कौन सी गैस? CO। मेरा आपसे सवाल है, सभी लोग जवाब जरूर दीजिएगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड को दमघोटू गैस के नाम से भी जानते हैं। जरा कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट कर बताइएगा कि इसे दमघोटू गैस क्यों कहा जाता है। तो जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वे सभी साथी फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके बताएं। लंबित कणिकीय द्रव्य के कारण, जी हाँ, इसके कारण भी वायु प्रदूषण होता है। बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, इसे हम CO2 कहते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैस भी है, इस प्रकार ये भी सही है। तो जब तीनों विकल्प सही है इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? डी। ये पूरी एनसीईआरटी के सेशन आप पढ़ रहे हैं और आज के टॉपिक का नाम है वायु। वायु के आंसर है तो भूगोल का, जी हाँ, ये भूगोल में भी है और साइंस में भी है, मतलब ज्योग्राफी साइंस दोनों में ये टॉपिक आपको मिलेगा। हम डे हर डे एक चैप्टर आपके लिए लेकर आएंगे और एनसीईआरटी के प्रश्नों को हल करेंगे। इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। हम बढ़ रहे हैं नए सवाल की तरफ। अगला है कि वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत क्या है। तो जरा कमेंट कर बताइएगा कि नाइट्रोजन, यहां से एक सवाल आपके परीक्षा में आता है कि हाँ, टॉपिक वाइज क्लास भी चलेगी और इसकी MCQ भी होगी, दोनों होगी, पैरेलल होगी ना। एक और एक YouTube चैनल है, उस पर भी आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं, उस पर भी क्लासेज आपको मिलती रहेंगी, दोनों पर आते हैं ये क्लासेज। तो वायुमंडल में वायु की अगर हम बात करें तो यहां पर ही होगा 78.08%। पूछा जाता है वायुमंडल में किस गैस का सबसे ज्यादा सांद्रता है, तो वह है आपका नाइट्रोजन का, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ये दूसरी सबसे ज्यादा गैस कौन सी है? कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि दूसरी सबसे ज्यादा गैस कौन सी है। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी लोग कमेंट करके जवाब देंगे। दूसरा सवाल यहां से एक और पूछा जाता है कि किन दो गैसों को मिलाकर हमारे वायुमंडल का 99% गैस होता है। कमेंट करिए, जवाब दीजिएगा। दूसरी जो है आपके लिए वो O2 है। वो क्या है आपका? O2। 20.95%, लगभग 21%। इसलिए दूसरे अगर हम बात करें तो एक, और किन दो गैसों को मिलाकर, यहां पर हम जानते हैं N2, अगर आपके भी मन में भी आया होगा, एक हो गया आपका N2 और दूसरा होगा O2, मिलाकर वायुमंडल का लगभग 99% गैस होता है। यह प्रश्न बहुत ही बार आपकी परीक्षा में पूछा गया। आप लोग भी इस वीडियो को शेयर करिएगा, जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, कुछ लोग इसे फेसबुक पर देख रहे हैं, कुछ लोग इसे यूट्यूब पर देख रहे हैं, जहां भी जो देख रहे हैं वो सभी साथी मित्र शेयर जरूर करेंगे। ठीक है, हम आगे चलते हैं आपके साथ। अगला है, वायु क्या है? एक तत्व है, यौगिक है, मिश्रण है। मेरा आपसे सवाल है, आपके सिलेबस में है, ये साइंस के सवाल है, एनसीईआरटी के सवाल है। तत्व किसे कहते हैं? कमेंट करके बताइएगा। यौगिक किसे कहते हैं? मिश्रण किसे कहते हैं? सबके एक एक उदाहरण दीजिएगा। तत्व किसे कहते हैं? यहां से प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है। यौगिक किसे कहते हैं? इसका भी उदाहरण दीजिएगा। मिश्रण किसे कहते हैं? इसका भी उदाहरण दीजिएगा। ये पूरे एनसीईआरटी का निचोड़ है आपके सामने। अगर आपने एनसीईआरटी पूरी पढ़ी है तो भी आप इस प्रश्न का जवाब आसानी से दे लेंगे। तो सभी लोग फटाफट कमेंट बॉक्स में जाएं और कमेंट करके इस प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। प्रश्न नंबर 3 का जवाब दीजिएगा। वायु क्या है? गैसों का मिश्रण। हम लोगों ने कई बार पढ़ा है और रट भी लिया है कि जो वायु है ये सभी गैसों का क्या है? मिश्रण है। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं फटाफट अंदाज में कमेंट करते रहें और वीडियो को सभी मित्रों को शेयर भी करते रहेंगे। हम आगे बढ़ते हैं आपके साथ अगले प्रश्न की तरफ, जो आपके सामने है, आपके डिस्प्ले पर है। कह रहा है कौन सी गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है? जब आप सभी लोग देते तो मुझे भी लगता है यार हम जो पढ़ा रहे हैं आपके समझ में आ रहा है और ये आपके काम का है। ठीक, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। चलिए, अगर आप जवाब नहीं देंगे तो मेरा काम है, बताया मैंने पहले से ही कि भैया मेरा ही काम है पढ़ाना, और हम तब तक पढ़ाएंगे जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए, क्योंकि सिलेक्शन के लिए आप भी पढ़ रहे हैं, सिलेक्शन के लिए हम भी पढ़ रहे हैं। अब ये मत कहिएगा सर आप कहाँ पढ़ रहे हैं, आप तो पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो सभी लोग फटाफट जवाब दीजिए, जो लोग भी देख रहे हैं। कौन सी गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है? आपके मन में सवाल आया होगा। तो नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन, उपरोक्त। तो यहां पे उपरोक्त सभी नहीं होगा क्योंकि आप जानते हैं 80% ऑल ऑफ दिस सही होता है, लेकिन ये एनसीईआरटी का प्रश्न बैंक है इसलिए प्रश्नों को यहां पे बनाया गया है। तो यहां पर प्रश्न का जवाब सभी लोग दीजिएगा। कौन सी गैस विद्युत बल्बों में भरी जाती है? एकदम सही जवाब आपका है आर्गन। आर्गन, ठीक है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है तो आपका जवाब पूरी तरह से सही है। अब जरा बताइए इसमें निम्नलिखित में से किस गैस को जीवनदायी गैस कहा जाता है? कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करके बताइएगा। अगला है, जल जल का वाष्प में बदलना निम्न में से कौन सा
परिवर्तन निम्न परिवर्तन कहलाता है। तो जब भी लोग बताइए, देखिए जल का वाष्प में बदलना क्या कहलाता है, इसे जलवाष्प कहते हैं। एक सवाल आता है कि जलवाष्प किसे कहते हैं, तो आप लोग याद रखिएगा जल का वाष्प या गैसी रूप में बदलना जलवाष्प कहलाता है। दूसरा टॉपिक आता है आद्रता किसे कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा आद्रता किसे कहते हैं, जलवाष्प किसे कहते हैं। ये दोनों सवाल आपको, ये भूगोल में मैं इसका उत्तर बताऊंगा, लेकिन मैं चाहूंगा कि जितने भी साथी मित्र हमारे साथ इस सेशन में पढ़ रहे हैं, जितने भी साथी मित्र हमारे साथ इस सेशन में बने हैं, वे सभी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके जवाब जरूर देंगे। जल का वाष्प बदलना क्या है, रासायनिक परिवर्तन, जैविक परिवर्तन, भौतिक परिवर्तन, आपके सवाल में परीक्षा में आता है और ये आपके एनसीईआरटी के सिलेबस में, और हम पूरा एनसीईआरटी आपके लिए कवर करते हुए चल रहे हैं, इसलिए हम चाहेंगे आप इस प्रश्न का जवाब जरूर दीजिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को हमारे साथ पढ़ रहे हैं सभी फटाफट कमेंट करिएगा। देखिए सिलेक्शन है तभी जब आप पूरा एनसीईआरटी कवर करेंगे तभी, बताइए चलो फटाफट कमेंट करके सभी साथी जवाब दीजिएगा। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी कमेंट करिएगा और जवाब दीजिएगा। चलिए हम आपके साथ और आगे बढ़ रहे हैं। एकदम से आप लोगों ने बताया भौतिक परिवर्तन, जितने लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर भी बताया उन लोग का जवाब सही है। जल का वाष्प बदलना भौतिक परिवर्तन कहलाता है। मेरा सवाल है रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसका उदाहरण दीजिएगा। रासायनिक परिवर्तन किसे कहते हैं, इसका उदाहरण कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, क्योंकि जब आप उदाहरण देंगे तब जाकर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर। कुछ लोग कह रहे हैं सर हम इसका एग्जांपल क्यों बताएं, जब आप एग्जांपल इसका बताते हैं ना तब जाकर आपका वास्तव में जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो पाता है। इसी के साथ हम और आगे चलते हैं। अगला आपके सामने किस कारण, इसका उत्तर तो हो गया ना अभी, किस कारण शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में मछलियां अधिक मरती हैं। यह बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये आपके एनसीईआरटी का सेशन है और ये एनसीईआरटी में ही आपको मिलता है। हम चाहेंगे जितने भी साथी मित्र हमारे साथ इस वीडियो को बने हैं, जितने भी साथी मित्र पढ़ रहे हैं, वे सभी कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे। जितने भी लोग वीडियो को देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा, क्या ऐसा कारण है, खाद्य श्रृंखला के नष्ट होने के कारण, ऑक्सीजन के अपचय के कारण, उपरोक्त ए और बी रोग फैलने के कारण। इसी से एक सवाल आता है, मिनी माता क्या है, मिनी माता क्या है। जितने भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं वे कमेंट बॉक्स में जाएंगे और कमेंट करके बताएंगे कि मिनी माता क्या होता है। सभी लोग कमेंट करिएगा कितने लोग जानते हैं कि मिनी माता के बारे में, तो मिनी माता क्या है ये सभी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे, हमें भी बताएंगे और खुद भी इसके बारे में जानेंगे। सभी लोग फटाफट कमेंट करिएगा, क्योंकि मैं वीडियो को शेयर कर रहा हूं और आप लोग का भी कर्तव्य है कि वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि ये सीरीज काफी महत्वपूर्ण है और मैंने आप लोग के लिए खासकर डिजाइन किया है ताकि आप सभी जितने भी साथी मित्र हमारे साथ हैं वे सभी सेशन को पढ़ें और अपना बेस्ट और बेहतर दें। शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में मछलियां, मतलब ठंडी की तुलना में गर्मियों में मछलियां अधिक मरती हैं। मेरा सवाल और है कि जिस समय तालाबों में झीलों में बर्फ जम जाती है मछलियां कैसे जीवित रहती हैं। इसी में सवाल और बनेगा, जल का अधिकतम घनत्व क्या होता है। कमेंट करके इन तीनों सवालों का जवाब फटाफट कमेंट बॉक्स में दीजिएगा और हम चाहेंगे जितने भी साथी मित्र हमारे साथ बने हैं, जितने भी साथी मित्र हमारे साथ पढ़ रहे हैं, वे सभी इस तरह के प्रश्नों को जवाब दें और इस सेशन में अंत तक भी बने रहेंगे। हम एक एक करके आपके साथ आगे बढ़ते रहेंगे। सभी लोग का देखिए खाद्य श्रृंखला के नष्ट होने के कारण ए सही है। अब एक सवाल आता है खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, खाद्य जाल किसे कहते हैं। दो प्रश्न आपका तैयार हुआ, ये तो पर्यावरण का सवाल है, लेकिन मैं चाहूंगा जब रिवीजन सेशन आप पढ़ रहे हैं, जब आप एनसीईआरटी को फोकस कर रहे हैं, तो तथ्यों से तथ्यों को जोड़कर चलिएगा। खाद्य श्रृंखला किसे कहते हैं, खाद्य जाल किसे कहते हैं, दोनों का जवाब लिखिएगा और अगर मेरी क्लास कॉपी कलम के साथ बैठे ना तो लिखते चलिएगा। ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण, ऑक्सीजन के अपक्षय के कारण, यह भी सही है। अब ऑक्सीजन अपक्षय आपको समझ में आ गया, यहीं से एक और प्रश्न आ जाएगा बीओडी, बीओडी तो बीओडी का फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट सेक्शन में जाइएगा और कमेंट करके बताइएगा कि बीओडी का फुल फॉर्म क्या होगा। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर होगा सी, ए और बी, ए भी सही है बी भी सही है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा सी। तो जितने लोगों ने इस वीडियो को यहां पर देखा है वे कमेंट बॉक्स में कमेंट भी करके जवाब दें और यहां पर यह भी बताने का प्रयास करें कि मेरी टॉपिक आपको समझ में आ रही है, कि आप लोग प्रतिदिन इस समय क्लास में टाइम से रहेंगे। तो यहां पर आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि शीतकाल की तुलना में ग्रीष्मकाल में मछलियां अधिक मरती हैं। मेरा सवाल था जब तालाब में झील में बर्फ जम जाती है तो मछलियां तली में रहती हैं, क्योंकि तली का जो टेम्परेचर होता है ना 4 डिग्री सेल्सियस। आप कहेंगे सर ये 4 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, ये जल का अधिकतम घनत्व होता है। सत्येंद्र जी ने गलत जवाब दिया था 0 डिग्री सेल्सियस, तो 4 डिग्री सेल्सियस
अधिकतम घनत्व होता है, रख लीजिएगा, कहीं लिख लीजिएगा, ऐसे आगे इस सेशन में यह प्रश्न भी आपको जरूर मिलेगा। हम आगे बढ़े, बीओडी का फुल फॉर्म है बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। हम इसी के साथ आगे बढ़ रहे हैं, आप लोग को जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं सभी साथी कमेंट सेक्शन में जाएंगे और कमेंट करके जवाब देते रहेंगे। हम आगे बढ़ रहे हैं, अगला है, पृथ्वी की सतह से सबसे निकट की वायु सतह को क्या कहा जाता है। जैसे हम हमारे सामने जैसे हम लोग अपने कपड़े पहनते हैं कई लेयर में कपड़े पहनते हैं, शायद आपने भी पहना होगा, क्या केवल एक ही लेयर है, कई लेयर है ना, उसी तरह पृथ्वी को कई लेयर में वायुमंडल ने घेर कर रखा है। अध्ययन के दृष्टिकोण से इन्हें 5 भागों में बांटा गया है, कितने भागों में, 5 भागों में। तो पृथ्वी का जो सबसे पास का मंडल है, वही यहां पे प्रश्न पूछा है, उसे हम क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। उसे किस नाम से जानते हैं, क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं। ये पृथ्वी के सबसे पास का मंडल है। मौसम संबंधित सभी घटनाएं क्षोभ मंडल में घटती हैं, इसे परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। दूसरी सबसे बड़ी बात, इसकी जो मोटाई है ना, ये ज्यादा कहां पर है, ये ध्रुवों पर ज्यादा है या भूमध्य रेखा पर ज्यादा है, मेरा आपसे सवाल है। मैं इसको भूगोल के सेशन में पढ़ाऊंगा, ये आपको नोट्स में मिल जाएगी लेनी भी दुर्गेश के, लेकिन मेरा भी आपसे जो सवाल है ना वो ये आपको बताना है कि क्षोभ मंडल की मोटाई कहां पे ज्यादा होती है, ध्रुवों पर या भूमध्य रेखा पर, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं, पृथ्वी का सबसे न्यूनतम तापमान मध्यमंडल में होता है। जो तरंगे आती है ना, जैसे समाचार सुनते थे बचपन में, याद करिए ये समाचार लखनऊ के आकाशवाणी लखनऊ से 550 मेगाहर्ट्ज के लॉन्ग वेव पे प्रसारित की जा रही है, शॉर्ट वेव से प्रसारित की जा रही है। तो जो ये तरंगे होती है, जैसे हम टीवी चालू करते हैं, जो हमारे मोबाइल फोन का नेटवर्क पकड़ता है, ये सब आयन मंडल में। समताप मंडल में ओजोन लेयर है, इसके बाद बहिर्मंडल होता है, 5 मंडल होते हैं, क्षोभ मंडल है, समताप मंडल है, मध्यमंडल है, आयन मंडल है, बहिर्मंडल है। तो यहां पर मध्यमंडल में -80 डिग्री सेल्सियस से लेकर -100 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होता है, किसमें, मध्यमंडल में सबसे कम तापमान होता है। ठीक है, यहां तक किसी कोई दिक्कत, कोई समस्या, मेरा सवाल है आयन मंडल को कितने भागों में डिवाइड किया गया। वैसे तो मैंने आपको बता दिया कि पूरे वायुमंडल को 5 भाग में डिवाइड किया गया, लेकिन आयन मंडल को कितने भागों में बांटा गया, ये आपको इन लेनी दुर्गेश के नोट्स में एनसीईआरटी में मिल जाएगा, कमेंट जवाब दीजिएगा कमेंट करके। समताप मंडल से बहुत सारे सवाल आते हैं, क्षोभ मंडल में ऊंचाई पर बढ़ने के साथ साथ तापमान में कमी आती है, रट लीजिएगा, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। आगे बढ़ रहे हैं अगले सवाल की तरफ, स्क्रीनशॉट करते चलिएगा। अगला सवाल आपके सामने है, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। अगला है, वायुमंडल में ऑक्सीजन क्या कितना परसेंट होता है। तो अभी मैंने आपको बताया लगभग 21%। यह प्रश्न सरल है, सभी को आ रहे थे। अब कुछ लोग, सर ऐसा भी सवाल आता है, अरे यार पूरे प्रश्न तो कठिन पूछे नहीं जाते, कुछ सरल होते हैं कुछ कठिन होते हैं, जो हमको आते हैं वो सरल, जो नहीं आते वो कठिन। अगला है, मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक किसे कहते। एक प्रदूषक होता है, ध्यान दीजिएगा, एक होता है प्रदूषक और एक होता है प्रदूषण, इन दोनों में क्या अंतर है। कमेंट करके जवाब दीजिएगा। इसकी पीडीएफ आपको क्लास खत्म होने के बाद टेलीग्राम पर मिल जाएगी, टेलीग्राम पे आपको सर्च करना है बिना स्पेस दिए दुर्गेश, जैसे ही दुर्गेश आएगा आप इसे ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, अब जरा बताइए प्रश्न नंबर 9, ह्यूमेलियन परजैविक एंजेलिसिक प्रतिजैविक, ये एनसीईआरटी है, पूरे एनसीईआरटी हम आपके साथ पढ़ रहे हैं। मानव जनित पर्यावरणीय प्रदूषक क्या कहलाते हैं, पहले तो एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, प्रदूषक और प्रदूषण। ये वीडियो फेसबुक पेज ही लेनी दुर्गेश, यूट्यूब चैनल लेनी दुर्गेश, मेरे द्वारा निःशुल्क देख रहे हैं। तो मानव जनित पर्यावरण जो प्रदूषक होते हैं ना, उन्हें परजैविक कहते हैं। ये पूरी फुली एनसीईआरटी में पढ़ा रहे हैं, आप लोग हमारे साथ पूरा एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं सभी लोग, तो जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करिए, समझ में आया सबको, उसे हम परजैविक कहते हैं। कुछ लोगों ने यहां गलती किया, मैंने कहा ना कुछ सरल प्रश्न है कुछ कठिन प्रश्न है, लेकिन क्लास में आप बने रहेंगे ना तभी आप रिविजन कर पाएंगे, और रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं। अगला है,
वर्ष 2015 में वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट WRI द्वारा किए गए अध्ययन में विश्व की हरित ग्रह गैसों में भारत का लगभग इतना था। आप कह सकते तो 2015 का सवाल है, ये क्यों पूछ लिया गया, ये तो करंट का सवाल होना चाहिए। तो भैया मैं आपको बता दूं, ये NCERT का है और NCERT में इसका जिक्र है कि वर्ष 2015 में वर्ल्ड रिसोर्स इंस्टीट्यूट, इसका फुल फॉर्म भी पूछ सकता है, द्वारा किए गए अध्ययन में विश्व की हरित ग्रह गैसों में भारत का लगभग कितना भाग है, 10%, 7%, 20%, 5%। जवाब सभी क्या चाहिए, सभी सब्जेक्ट की क्लास चलेगी। एक और यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है सुपर टेड विद दुर्गेश सर, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 2-3 क्लासेज वहां चलेंगी, 2-3 क्लासेज यहां चलेंगी, दोनों चैनलों पर चलेगी, तो उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सभी लोग, इस प्रश्न का उत्तर होगा 7%। यह डेटा NCERT का है, यह डेटा NCERT का है, यह आज के 5 साल बाद भी पूछा जाएगा, अगला सर्वे नहीं आएगा। ठीक, आगे बढ़ रहे हैं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है। आप तो कहेंगे सर ये तो मैंने पाया नहीं था, ये तो भूगोल का सवाल है, ये तो EVS का सवाल है, ये साइंस में कहां से आ गया? तो भैया साइंस का जो टॉपिक NCERT का है, जिसका नाम है वायु, 6 से लेकर 12 तक में जितने प्रश्न आते हैं उस चैप्टर के आपके सामने है। तो राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को, 23 जनवरी को, 5 जून को, 8 जून को। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा, जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं। एक बात और, 24 दिसंबर को, 24 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? 24 जनवरी, 25 जनवरी को कौन सा दिवस मनाया जाता है? अब इस दिन कहेंगे सर मतदाता दिवस है, इस दिन बालिका दिवस, और यहां सुभाष चंद्र बोस जी की क्या है, कमेंट कर बताइएगा। 5 जून को तो आप जानते हैं पर्यावरण दिवस, 8 जून कौन सा दिवस मनाया, कमेंट करिएगा। अब इस प्रश्न का उत्तर हो गया, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाया जाता है 14 दिसंबर को। अब बताइए कितने लोग का कॉन्सेप्ट सही हुआ, ध्यान दीजिए कितनी गलतियां हो रही हैं। यह गलती परीक्षा हाल में नहीं करनी है, इसलिए मैं सेशन आपके लिए लेकर आया हूं, इस प्रश्न का उत्तर ही होगा। ध्यान दीजिएगा यह गलती कितनी कर रहे हैं आप, सत्येंद्र जी ध्यान दीजिए, आप जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पर, यह गलती नहीं होना चाहिए। 8 दिसंबर को फटाफट कमेंट करिए कौन सा दिवस मनाया जाता है। 10 दिसंबर को ह्यूमन राइट डे है। जैसे कि दिसंबर की बात करें तो दिसंबर में कुछ प्रमुख दिवस हैं, दिसंबर की बात करें 1 दिसंबर, 2 दिसंबर, 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, 5 दिसंबर, पांचों दिन कोई ना कोई दिवस है और ये पांचों इंपॉर्टेंट है। अगर मैं बात करूं 2 दिसंबर, बात करूं 3 दिसंबर, 4 दिसंबर, ये सब इंपॉर्टेंट है। मैं पूछूं मृदा दिवस कब मनाया जाता है, कमेंट करके बताइएगा। इसी दिसंबर में मृदा दिवस मनाया जाता है, इसी दिसंबर में दिव्यांग दिवस मनाया जाता है, इसी दिसंबर में कंप्यूटर दिवस मनाया जाता है, इसी दिसंबर में एड्स दिवस है। इन पांचों को आपको याद करना है, रटना है, अगर सिलेक्शन लेना है तो तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हम आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ। अगला, मुंबई और कोलकाता में प्रमुख प्रदूषक है, ध्यान दीजिएगा आप, यहां पर फिर प्रदूषक आ गया। मैंने ऊपर आपसे पूछा था कि प्रदूषक व प्रदूषण में क्या अंतर है, क्या दोनों एक है? अगर आप NCERT की नोट्स पढ़ना चाहते हैं, ई लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल करिएगा, कक्षा 6 से लेकर 12 तक के हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में आपको NCERT पूरे मिल जाएंगे। लेकिन आपको बताना है मुंबई और कोलकाता में प्रमुख प्रदूषक क्या है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। सभी लोग, जितने भी लोग इस सेशन को देख रहे हैं, फटाफट जवाब दीजिएगा, फटाफट अंदाज में सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सभी साथी फटाफट कमेंट करिएगा, जितने भी लोग देख रहे हैं। मुंबई और कोलकाता में प्रमुख प्रदूषक हैं जो प्रदूषण फैलाने का काम करते हैं, मार्स गैस। अच्छा, मार्स गैस किसे कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा, मेरा सवाल आपसे, मार्स गैस किसे कहते हैं, जवाब दीजिए, गलत या सही उत्तर दीजिए। जब फेसबुक पर देख रहे हैं, यूट्यूब पर देख रहे हैं, जवाब दिया करिए, कॉन्सेप्ट आपका तभी क्लियर होगा। मार्स गैस की अगर मैं बात करूं तो मार्स गैस CH4 कहते हैं, CH4 को मार्स गैस कहा जाता है, मैथेन गैस कहा जाता है, शैवाल स्पोर्ट्स, ओजोन को कौन सी गैस कहते हैं, इसे O3 कहते हैं, हाइड्रोकार्बन गर्म हवा CO, इसे कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं, SO2 को कौन सी गैस कहते हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो CO CO2 है, SO2
सॉरी सीओ कार्बन मोनोऑक्साइड और एसओ टू है, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, डी होगा। मेरा आपसे सवाल है, आपसे जाते जाते, धान की खेत से कौन सी गैस निकलती है, पशु जब जुगाली करते हैं कौन सी गैस निकलती है, सले गले पदार्थों से कौन सी गैस निकलती है, पुराने कुएं से कौन सी गैस निकलती है, सबका उत्तर एक ही है। सवाल ढेर सारे हैं, जवाब एक है, कमेंट करिए जवाब दीजिए, आगे बढ़े। अच्छा आप लोग वीडियो को शेयर करेंगे, जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं मेरी आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, अगर आपने कर दिया है तो थैंक यू, और डेली क्लास में टाइम से बने रहिएगा। वायु प्रदूषण का कारण नहीं है, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना वे सब इस प्रश्न का जवाब दे सकते हैं, नहीं है वाले प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, ट्रेंडिंग में है, और जितने लोग लाइक पढ़ रहे हैं वे सब इस प्रश्न का जवाब देंगे। मैथेन सही जवाब, उसे मार्स गैस कहते हैं, पशु जुगाली जब करते हैं तब मार्स गैस निकलती है, धान के खेत से मार्स गैस निकलती है, मार्स गैस को CH4 मैथेन गैस कहा जाता है। सभी ने जवाब दिया सही, मतलब जितने लोगों ने भी इस प्रश्न का जवाब दिया है सबके जवाब सही आ रहे हैं। हाँ, इसी तरह लोग बने रहिए क्लास में, कितना अच्छा लग रहा है ना, मतलब सेशन को पूरा पढ़कर कॉन्सेप्ट भी आपका क्लियर होता जा रहा है सभी के। चलिए देखिए, पराग कणिकाओं ये भी प्रदूषण होता है, उद्योग से भी प्रदूषण होता है, मोटर, लेकिन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर इससे प्रदूषण नहीं होता, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बी। मतलब जो गलत है वही आपका सही है, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। आगे बढ़े, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर क्या है, कमेंट करके जवाब दीजिएगा, एनसीईआरटी पूरा मैं पढ़ा रहा हूं। आगे, कौन सी धान की खेतों द्वारा उत्पन्न गैसें हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार है, इसे ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं, माने इसी को यह एक ग्रीन हाउस गैस भी है। माने इस गैस का उत्तर यह भी है ग्रीन हाउस गैस, तो कमेंट करके बताइए सब लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, यहां गलती करिएगा, परीक्षा में गलती मत करिएगा, सोचिए कितनी गलतियां हो रही हैं। अभी मैंने पढ़ाया CH4, इसे मैथेन भी कह सकते हैं, इसे मार्स गैस भी कह सकते हैं, इसे मार्स गैस भी कह सकते हैं, तीन हो गए ना। यस टू यस क्या है, AgL ये क्या है, ये कौन सी गैस है, AgL क्या है, AgL क्या है, इसका जवाब कमेंट करके सभी लोग दीजिएगा, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं आपके साथ, देखिए आप लोग नोट्स चाहते हैं तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सभी जानकारी ले सकते हैं, ये नोट्स आप सभी के लिए काफी अहम, काफी इंपॉर्टेंट है, आप चाहे इसे घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। यहां पर SSC है, BO है, सुपर टेट है, यूपी टेट है, लोअर पीछे यूपी टेट, सी टेट, सभी के नोट्स आप RO पुलिस सभी के नोट्स मिल जाएंगे, इस नंबर पर व्हाट्सएप करके घर बैठे सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे, पढ़ लो कहीं से, सिलेक्शन होगा यहीं से, ठीक है। थैंक यू आप सभी का, हम आगे चलते हैं। अगला है, वायुमंडल का कौन सा गैस परावैगनिक किरणों, कौन सा गैस परावैगनिक किरणों से हानिकारक प्रभाव से जीवों को बचाता है, एकदम हलवा प्रश्न है, इसका उत्तर सबको पता होगा जितने भी लोग हमारे साथ पढ़ रहे हैं, लेकिन इसका रासायनिक नाम क्या है, कमेंट करिएगा सभी लोग। अब देखिए, अब कहेंगे सर इसका उत्तर तो ओजोन है, इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ओजोन गैस है, इसका ये आंसर होगा ना ओजोन गैस, लेकिन ओजोन गैस को क्या कहते हैं, उसे O3 कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे O3 कहते हैं, क्या सबको ये पता था, जितने लोग इस वीडियो को देख रहे थे हमारे साथ एक बार कमेंट कर बताइए, क्या सबको ये पता था, सभी क्लास चलाएंगे, अभी आप लोग साथ तो दीजिए, सारी क्लासेज आपको मिलेगी, निशुल्क क्लासेज मेरी होंगी। हम आगे चल रहे हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव से सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन है, ग्रीन हाउस में सबसे अधिक जिम्मेदार गैस कौन सी कहलाती है, सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं। देखिए, ग्रीन हाउस गैस कई हो सकती है, लेकिन जब प्रश्न ये आए कि सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन सी है, जब सबसे ज्यादा की बात आ जाए, अब कहेंगे सर
ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ये भी ग्रीन हाउस गैस है, ये भी ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन सबसे ज्यादा अगर पूछा जाए जिम्मेदार कौन है तो जवाब दीजिएगा क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा। तो जब सबसे ज्यादा की मैं बात करूंगा ना, तो अब आएगा CO2, तब आएगा CO2। ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न में तीन विकल्प सही होगा कि कौन सी गैस ग्रीन हाउस है, लेकिन पूछा जाएगा सबसे ज्यादा जिम्मेदार कौन है ग्रीन हाउस के लिए, तो उसका उत्तर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। मेरा आपसे सवाल है सीएफसी का फुल फॉर्म क्या होगा, सभी लोग जवाब दीजिएगा सीएफसी का फुल फॉर्म क्या होगा, कमेंट करिएगा सभी लोग, जितने भी लोग हमारे साथ वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके जवाब दीजिएगा सीएफसी का फुल फॉर्म क्या है। आगे ग्रीन हाउस गैसों में शामिल है, अब इसका उत्तर आपको देना यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन नोट समझिए, अगर आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप करके सभी जानकारी ले सकते हैं नोट से संबंधित, सभी लोग जितने भी लोग देख रहे हैं। अब बताइए ग्रीन हाउस गैस में कौन कौन सी है, ये फुली एनसीईआरटी है, मैं आपको पहले बता दूं ये हम पूरा एनसीईआरटी के क्वेश्चन बैंक आपके लिए लेकर आए हैं, पूरी एनसीईआरटी की साइंस है। जी हाँ, प्रिया जी ने बताया क्लोरो फ्लोरो कार्बन, आप बताइए। हाँ सभी लोग जवाब दीजिए। देखिए ओ टू ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, मतलब ये विकल्प गलत। एनओ टू होता है, एक N2O होता है। तो ये देखिए यहां पर अगर मैं बात करूं NH3 भी नहीं होगा, ये विकल्प गलत, यहां पर भी है, यहां पर भी है। तो अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया, अगर आपने NCERT पढ़ा होगा या नोट्स पढ़ा होगा तो आपको तुरंत क्लियर हो जाएगा, हाँ सर यहां तो मैंने पढ़ा है। अब यहां पर आपको क्लियर हो गया, इसको कहते हैं CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CH4 मार्स गैस या मीथेन। NO2 क्या होता है और N2O क्या होता है, N2O क्या होता है, NO2 क्या होता है, कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा बी, अगर आपने सवाल का उत्तर बी बताया है तो आपके जवाब सही है, अगर आपके मन में इस प्रश्न का उत्तर बी आया है तो जवाब सही है। सोचिए कितनी गलतियां कर रहे हैं, इतने सरल प्रश्न बैंक की सीरीज है, एनसीईआरटी सीरीज है आपके लिए, फिर भी गलती हो रही है। कोई बात नहीं, घबराना नहीं है, इसीलिए तो पढ़ रहे हैं, इसीलिए तो क्लास में सीख रहे हैं ताकि दोबारा गलती ना हो। आगे बढ़ रहे हैं, ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है किससे, कमेंट करिएगा। जो वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं शेयर कर दीजिए, पैसे नहीं लगेंगे, यूट्यूब पे देख रहे हैं शेयर कर दीजिए। अब हरे शैवालों के से अधिक वृद्धि से, ग्लोबल वार्मिंग से, घरों में सब्जियों को उगाने से, हरे घास के मैदान उगाने से, जवाब दीजिएगा। ग्रीन हाउस ग्लोबल वार्मिंग से, अब फिर से प्रश्न आ गया कि सर ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, तो पृथ्वी के वैश्विक तापक्रम का बढ़ना ग्लोबल वार्मिंग कहलाता है। कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है सबका, 20 प्रश्न का सही जवाब है। उस अभिक्रिया को क्या कहा जाता है जिसमें ऑक्सीजन किसी तत्व अथवा यौगिक से संयोजन करती है, ऑक्सीकरण, अवकरण, भौतिक, उपरोक्त सभी। तो पहले मैं आपको बता दूं इसमें उपरोक्त सभी नहीं सही है। अब आपके सामने तीन विकल्प हैं, ऑक्सीकरण, अवकरण, भौतिक, तो कमेंट करिए बताइए, सभी लोग जवाब दीजिए, सबको सिलेक्शन लेना है। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण आपने अगर बताया, इस प्रश्न का उत्तर होगा ए, ऑक्सीकरण। क्लियर हो कॉन्सेप्ट, आगे बढ़े हम, कोई डाउट किसी को। जिनान गैस का क्वथनांक क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है आप सभी के लिए मेरे प्यारे साथियों, सभी लोग जवाब दीजिएगा जिनान गैस का क्वथनांक क्या होगा। -108 डिग्री सेल्सियस, 196 डिग्री सेल्सियस, माइनस में -36 डिग्री सेल्सियस, -273 डिग्री सेल्सियस, जिनान गैस का क्वथनांक क्या है। ये कितने लोग को इस सवाल का उत्तर पता था, कमेंट कर बताइए, नहीं पता कॉपी में लिख लीजिए, इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इलर्निंग विद दुर्गेश के फेसबुक पेज पर मिल जाएगी, खत्म होने के बाद क्लास। अब आपने कहा सर -108 डिग्री सेल्सियस, ए इस प्रश्न का सही जवाब है। किसी को डाउट, कोई प्रश्न हो तो पूछ सकता है।
आगे चलना है। वैरोमीटर में उपयोग करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ होता है पानी, लोहा, पारा, अम्ल। जब हम भूगोल के एनसीईआरटी लेकर आएंगे तब हम आपको पढ़ाएंगे जब बैरोमीटर ऊपर होता है तो थर्मामीटर कहां होता है, जब थर्मामीटर ऊपर होता है तो बैरोमीटर। ये हम भूगोल में जब वायु पढ़ाएंगे तब हम इसको पढ़ाएंगे। अभी मैं साइंस में वायु पढ़ा रहा हूं, अभी हम साइंस में वायु को पढ़ रहे हैं ना। तो बताइए बैरोमीटर उपयोग करने के लिए सबसे उपयुक्त अधिक उपयुक्त पदार्थ क्या होगा? पानी, लोहा, अम्ल, पारा। तो बैरोमीटर से क्या मापा जाता है कमेंट करके बताइएगा। बैरोमीटर की इकाई क्या है, यूनिट क्या है, किसमें मापते हैं कमेंट करिए। हाँ बैरोमीटर क्या मापते हैं भैया कमेंट करिए। इस प्रश्न का उत्तर तो आपने क्या दिया सर, पारा है। सी सब ने बता दिया पारा है। लेकिन अब आपको इस पारे के साथ एक बात और आपको बतानी है, वो ये बतानी है कि इसकी इकाई क्या होती है, मिली बार होती है, यम भी होती है। किसके लिए बैरोमीटर यूज किया जाता है कमेंट करिएगा। एक तो मैंने बताया, एक आप बताइए। एमबी मिलीबार कहते हैं इसकी यूनिट को। अगला है मानक मात्रकों में दाब को व्यक्त किया जाता है, पास्कल में, न्यूटन में, किलोग्राम में, ऑस्टेड में। सभी लोग जवाब दीजिएगा जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। तो एकदम सरल, सबको पता होगा इस प्रश्न का उत्तर, सबको पता है कि पास्कल में। इस प्रश्न का सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, अगला है वायुमंडल जब अपने परिवेश पर दाब डालता है तो क्या कहलाता है? वायुमंडलीय दाब, जल दाब, चक्रवात, उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आप रेगुलर क्लास पढ़ रहे होंगे तो इस प्रश्न का उत्तर तुरंत दे लेंगे। जितने लोग इस वीडियो को पढ़ रहे हैं डेली जो क्लास में रहेंगे, जिन्होंने लर्निंग विद दुर्गा से नोट्स पढ़ा होगा, वे सब इस प्रश्न का जवाब दे लेंगे कि भाई चक्रवात तो होगा नहीं, जल दाब तो होगा नहीं, तो वायुमंडलीय दाब होगा ना, एटमोस्फियर प्रेशर होगा ना, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ए। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताए हैं तो आपके जवाब सही थे। विकल्प सही क्या किया आपने, सेट कर लिया। अगर आपको उत्तर नहीं भी पता है तो जल दाब चक्रवात तो होगा नहीं, तो वायुमंडलीय दाब हुआ। आगे बढ़ते हैं, पोटेशियम पर मैग्नेट जो प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, रासायनिक सूत्र क्या होगा? यहां से भी सवाल आपकी परीक्षा में आते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो रासायनिक सूत्र से भी एक सवाल आते हैं, तो आपके सिलेबस में भी है, इसलिए आज के सेशन में भी है। सभी लोग जवाब दीजिएगा, पोटेशियम पर मैग्नेट जो प्रयोगशाला में ऑक्सीजन बनाने के लिए उपयोग किया जाता है, रासायनिक सूत्र क्या है? अगर आपको प्रश्न जिसका उत्तर नहीं आएगा तुरंत उस प्रश्न की स्क्रीनशॉट करिएगा। मैं बार बार कर उसकी स्क्रीनशॉट अपने पास रखेगा, क्योंकि जब इसकी स्क्रीनशॉट आपके पास रहेगी तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है ना वो आपका यही क्लियर हो जाएगा कि लाइफ में ऐसा प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। KNNO4 डी। आगे बढ़ते हैं, भोज्य पदार्थों का हिमीकरण करने के लिए प्रशीतक के रूप में निम्नलिखित में से इसका उपयोग किया जाता है, ठोस CO2, द्रव नाइट्रोजन, ओजोन, आर्गन। सभी लोग जवाब दीजिएगा। और आज के लिए ये आज का आखिरी सवाल है, आप लोग डेली क्लास के लिए टेलीग्राम पर जुड़िएगा। प्रतिदिन क्लास इसी समय चलती है, आप सारे काम छोड़कर सिलेक्शन के लिए इस क्लास में जाइए। इसके अलावा जो बाकी की क्लासेज होती हैं उसकी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। एक और यूट्यूब चैनल है सुपर टेट विद दुर्गेश सर, उसे भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। बाकी क्लासेज वहां पर भी मिलती रहेंगी, इस पर भी मिलती रहेंगी, लेकिन सबकी लिंक आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और अगर आप घर बैठे नोट्स चाहते हैं, इस नंबर को व्हाट्सएप करके नोट से संबंधित जानकारी ले सकते हैं। और अगर आप चाहते सभी क्लास की एक ही जगह मिल जाए रिवीजन सीरीज, तो आज ही लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करिएगा, जहां पे सभी रिवीजन बैच आपको वहां पर मिल जाएगी। तो यहां पर इस प्रश्न के उत्तर की बात करें, भोज्य पदार्थों का हिमीकरण करने के लिए प्रशीतक के रूप में किसका उपयोग किया जाता है, तो एकदम सही आप लोगों ने बताया, द्रव नाइट्रोजन। इस प्रश्न का सबसे सही उत्तर क्या होगा? बी। तो जरा कमेंट करके बताइए कितने ऐसे लोग थे जिनको आज ही क्लास समझ में आई। सभी पढ़ाएंगे, जब आप लोग की संख्या हो जाएगी तो डेली पढ़ाएंगे, थियरी भी लेकर आएंगे, एमसीक्यू भी लेकर आएंगे, लेकिन पहले आप लोग रिवीजन तो एक बार कंप्लीट करिए। अगर आप साथ देंगे तो 23 खत्म करेंगे एक दिन में, दो दो तीन तीन क्लास, चार चार क्लास लगाएंगे। अगर आप लोग साथ तो दीजिए, वीडियो को शेयर तो करिए, चैनल पर नया है सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, फेसबुक पर देख रहे हैं शेयर करिए। कोई व्यक्तिगत सवाल हो इलर्निंग विद दुर्गेश के इंस्टाग्राम पर अपने सवाल पूछ सकते हैं। मेरा सवाल आपसे है जाते जाते, ठोस
बर्फ किसे कहते हैं? जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वे इस प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा। जो भी क्लासेज होंगी उसकी टाइम टेबल आपको टेलीग्राम पर आज रात में पोस्ट कर दी जाएगी। थ्योरी की भी एक दो क्लास होंगी, एक दो क्लासेज एमसीक्यू की भी होंगे, एक एक करके हम आपके साथ चलेंगे। लेकिन आप लोग साथ तो दीजिए, एक बार आप वीडियो को शेयर करिएगा, अपने सभी मित्रों को बता दीजिएगा कि दुर्गेश्वरी क्लास शुरू हो रही है और सब लोग टाइम से जुड़िएगा। ठीक है, थैंक यू सभी का, वीडियो को ज्यादा शेयर करिएगा। आप सभी का थैंक यू। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं शेयर जरूर करिएगा, लाइक नहीं है तो लाइक करिएगा, फेसबुक पे फॉलो करिएगा। इसकी पीडीएफ, अच्छा मैंने बताया भूल गया, इसकी जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, क्लास खत्म होने के 10 मिनट के बाद आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, आप सभी का थैंक यू। कोई सवाल कोई प्रश्न नहीं है ना? चलिए हम और आगे चलते हैं, लेकिन आज के लिए इतना ही। आप सभी का थैंक यू, आप सभी का जय हिंद, बाय बाय।